हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने ब्रीज़ा लगी हुई है, तो मैंने इसके फोक लैम्प के कवर के ऊपर DRL लगाई है और हेडलाइट पर भी मैंने DRL फिट की है। तो हम इसके पूरे डिटेल के बारे में बात करेंगे, A to Z आपके सब क्वेश्चन, मैं आपके मन के सब क्वेश्चन मैं दूर कर दूँगा, जो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ये LED लाइट को देख कर। तो पहले हम इसकी फिटिंग के बारे में देख लेते हैं एक बार। इसकी फिटिंग मैं थोड़ा आपको नज़दीक से दिखा दूँ एक बार, दोनों लाइट एक बार नज़दीक से देख लो तो आपको फिटिंग का थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। ये हेडलाइट के ऊपर फिट होती है, इसके अंदर बगर तोड़ फोड़ के आपको ये LED आपको फिटिंग में आ जाएंगी, नीचे की और ऊपर की। नीचे की सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको ओरिजिनल जो कवर होता है वो निकाल कर आपको स्पेयर में रखना पड़ता है और ये उस पर लग जाता है। तो ये फुल साइज़ में LED आपको देखने के लिए मिलती है। तो एक बार मैं इंडिकेटर लगा के आपको दिखा देता हूँ, तो कैसे गुड लुकिंग कूल कार एक्सेसरीज लग रही है। तो अब इसके एक क्वेश्चन मेरे को सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि भाई इसके अंदर वायरिंग कटिंग होती है क्या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, वायरिंग कटिंग नहीं होती इसके अंदर, सिर्फ जो वायरिंग के ऊपर का कवर होता है और वायरिंग के अंदर जो कॉपर होता है वो कवर को हटाकर कॉपर पर वायर लपेट दी जाती है और उस पर टेपिंग कर दी जाती है। वायर कब कट होती है? जब वायर एक में से दो हो जाए, मतलब एक टुकड़ा अलग हो जाए। मतलब अभी एक वायर का टुकड़ा है उसको हमने काट दिया तो एक अलग हो जाता, तो दो पीस में होने के बाद में वायर कट हो गया। तो उसके ऊपर का जब हम कवर हटाते हैं तो उसको वायर कटिंग नहीं बोलते, शोरूम वाले आपको डराते हैं, वो भी उनकी जगह पर सही है। कमेंट में गाली देने से पहले एक बार सोच लो, जो लोग शोरूम में जो बंदे काम करते हैं, गाली देने से पहले एक बार सोच लो। मैं बोनट रख के नीचे दिखा देता हूँ कैसे गुड लुकिंग कूल कार एक्सेसरीज लग रही है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसमें हेडलाइट खोलते हैं या नहीं। तो मैं बता दूँ, हेडलाइट नहीं खोलते ये लाइट में, ये लाइट ऊपर से ही लग जाती है। बोनट के जो गैप और हेडलाइट के बीच में जो गैप होता है उसमें से ये DRL आपको ऐसा लगता है कि आपने हेडलाइट में बिठाया DRL, लेकिन वो हेडलाइट के बाहर ही होती है। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं। तो मैं बता दूँ, वाटरप्रूफ कंपनी हर चीज़ को वाटरप्रूफ देती, लेकिन उस पर हद से ज़्यादा पानी मार दिया तो पानी तो ऐसे ही ख़राब तो होने वाला है, क्योंकि ये मटेरियल है ही वैसा कम रेट में। तो चौथा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन सब में ज़्यादा और आता है मेरे को कमेंट में, वो है कि आता है कि भाई जो इसका वारंटी वगैरह आता है कि नहीं। तो इसका वारंटी नहीं आता, कुछ जो कंपनी ब्रांडेड होती है तो उसमें वारंटी आता है। और इसके रेट के बारे में बात करेंगे तो आपको लोकल कार एक्सेसरीज़ के मार्केट में 1500 से 2000 के रेंज में आपको हेडलाइट की DRL मिल जाएंगी, और जो नीचे वाली DRL है फोक लैम्प की वो 3000 से 4000 के रेंज में मिल जाएंगी और उसमें वारंटी भी आती है प्लस। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ और आपके फ़ोन की भी घंटी बजे और आने वाली हर अपडेट आप सबसे पहले देख सके। और आ जाओ इंस्टाग्राम पर, बात करेंगे, कोई बात नहीं करता लेकिन हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। आ जाओ इंस्टाग्राम पर।